रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उसी रेसिपी आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ आप लोगों के लिए मिर्च कीमा, जो बहुत मज़ेदार बनता है। उसको बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, यहाँ मैंने लिया 1 किलो के करीब जो है वो बारीक जो है मोटा थोड़ा कुटा हुआ जो है वो कीमा है। 7 से 8 तक मोटी वाली मिर्ची है, पानी में भिगोई थी। अभी हम इसको काट के इसकी बीज निकालेंगे। 2 टेबल स्पून जो है वो दही है, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1 अदर घी है, 2 अदर जो है वो हरी धनिया है, काली मिर्ची 5 से 6 अदर काली मिर्ची लौंग है, 2 अदर जो है वो डालती है जो है काली मिर्ची बड़ी इलायची है, कुटा हुआ धनिया जो है वो 1 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून जीरा दोनों को भून के कूट दिया था, 1/2 टीस्पून हल्दी है, 1/2 टीस्पून किसी लाल मिर्ची है, किसी भी लाल मिर्ची है, नमक होते हुए और जो है उसमें 3 अदर जो है बड़े साइज के प्याज है मैंने काट ली थी और यहाँ 3 अदर जो है मीडियम साइज के टमाटर है, 1 कप जो है वो कुकिंग ऑयल एड की है। आइए देखिए हम इस मिर्च कीमे को कैसे बनाएंगे। हम इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल है, ये जो मैंने प्याजें काटी थी हम इसमें डाल देंगे। इस तरीके से हल्का सा जो है फ्राई करेंगे प्याजों को। ये देखिए फ्रेंड्स, प्याज जो है हल्की सी नरम हो गई है, ना तो हमने ग्राउंड किया ना जलाया। अब हम जो है इसके अंदर जो है वो अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे, तो फिर इसको हल्का सा फ्राई करेंगे और उसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे कीमा। तो 1 किलो के करीब मेरे पास कीमा था, ये इसमें शामिल कर देंगे। तो हम अभी फ्राई कर लेंगे। मोटा मोटा सा काट लिया था, आप इसको इस तरह से पानी में भिगो के रखिएगा ताकि, और उसके बाद हम इसको इस तरह से मसल देंगे। इससे क्या होगा, सारे बीज इसके नीचे रह जाएंगे और मिर्ची जो हमारी खाली जाएंगी और मिर्ची हमारी ऊपर आ जाएंगी। अब मैं इसमें जो है सारे मसाले इसमें शामिल कर रही हूँ, जो मैंने आपको बताया था, मिर्ची, धनिया, हल्दी वगैरह सब चीज़ें, इसके साथ ही मैं टमाटर भी डाल दूँगी इसमें और ये दही डाल के जो है थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको अभी पकने देंगे, तब तक हमारा कीमा जो है वो अच्छी तरह से बन ही जाएगा। और जो है हम थोड़ा सा उसमें पानी डाल देते हैं और हम इसको ढक के जो है वो पकने के लिए छोड़ देते हैं, जब तक हमारा कीमा गलेगा। उसके बाद हम बताएंगे कि हम आगे की रेसिपी कैसे बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे आपके सामने जो है मैं आपको खोलती हूँ, कीमा जो है हमारा अच्छी तरीके से भुन गया है और 1-2 मिनट मैं इसको भून लेती हूँ और ताकि अच्छी सी खुशबू इसमें आ जाए। अब हमने जो है वो हरी मिर्चों के अंदर से सारा पानी फेंक दिया था, उसको ड्राई कर लिया था। अब जो है हम ये हरी मिर्ची इसमें शामिल कर देंगे, इस तरीके से इसको अच्छी तरीके से भुनना है, इसकी बुनाई करनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे आपके सामने हमारा जो है हरी मिर्च कीमा जो है वो बिल्कुल तैयारी पे है, दम पे है। शामिल करूँगी हरा धनिया, ये देखिए 2 मिनट हम इसको जो है वो रख देंगे ढककर। उसके बाद हम आपको उसकी प्रेजेंटेशन दिखाएंगे कि हम जो है वो इस तरह से इसको सर्व करेंगे। ये देखिए हरी मिर्च कीमा बिल्कुल तैयार है, बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। देखने का शुक्रिया और